नाम सुना है? ये जो आप ग्लो देख रहे हैं ना, ये उसी हाइड्रा फेशियल का कमाल है। हाँ, मैंने पार्लर जाकर हजारों रुपए खर्च नहीं किए हैं, ये हाइड्रा फेशियल मैंने किया है घर पे, वो भी काफी ज्यादा बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ। आप भी ये फ्लॉलेस और ग्लास स्किन अचीव कर सकते हैं इस हाइड्रा फेशियल को फॉलो करके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज है हमारी ग्लोइंग स्किन सीरीज का डे 6 और अगर आप सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, सारे रेमेडीज को फॉलो कर रहे हैं, तो कन्फर्म है कि आपकी स्किन भी इसी तरह से फ्लॉलेस और ग्लास स्किन हो चुकी होगी अभी तक। आज हम करने वाले हैं हाइड्रा फेशियल, वो भी घर पे। फेशियल हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, प्लस आपको फ्लॉलेस और ग्लास स्किन भी अचीव कराने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए और एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो कर लीजिए। सारे रेमेडीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको मेरी रेमेडीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रा फेशियल का फर्स्ट स्टेप होने वाला है फेस वॉश। यहाँ मैंने सेटाफिल फेस वॉश यूज में लिया है। आप जो रेगुलर फेस वॉश यूज में लेते हैं वो आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक आपको सर्कुलर मोशन में अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेना है और नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है, जिससे आपकी जितनी भी ग्लट है वो क्लीन हो जाएगी और आपका फेस एकदम क्लियर और ग्लोसी हो जाएगा। हाइड्रा फेशियल का सेकंड स्टेप होने वाला है फेशियल क्लींजर। यहाँ मैंने रॉ मिल्क यूज़ में लिया है। आप गर्म दूध भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन उसको ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद मिलाना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपके फेस के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ग्लिसरीन हमारे फेस से ड्राइनेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, प्लस आपके पीएच लेवल को मेंटेन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छे से पूरे फेस को आपको क्लीन कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। फिर अपने हैंड से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है और नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। फेशियल का थर्ड स्टेप होने वाला है स्क्रब। स्क्रबिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन यूज़ में लिया है। उसमें हम अच्छे से गुलाब जल यानी रोज वाटर मिला लेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा थिक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद अपने नोज एरिया के पास, चिन के पास, जहाँ पर भी आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, वहाँ पर अच्छे से सर्कुलर मोशन में नॉर्मल हाथों से जेंटल प्रेशर के साथ स्क्रबिंग कर लेनी है 2 से 3 मिनट तक। अच्छे से स्क्रबिंग करने के बाद आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से। हाइड्रा फेशियल का फोर्थ स्टेप है मसाजिंग क्रीम। इस मसाजिंग क्रीम को बनाने के लिए चाहिए एलोवेरा जेल, बीटरूट पाउडर या बीटरूट जूस, आप दोनों में से कोई भी यूज़ में ले सकते हैं। मैंने यहाँ बीटरूट जूस यूज़ में लिया है। अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे। इसमें डालना है रोज वाटर, तीनों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 टेबल स्पून क्रीम अलग से शिफ्ट कर लेंगे बाउल के अंदर और उसमें मिलाना है हमें अपना ग्लिसरीन। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑफ ग्लिसरीन ऐड किया है। ग्लिसरीन मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मसाजिंग क्रीम रेडी हो चुका है। अब जो हमारी बची हुई मसाजिंग क्रीम है उसके अंदर हम थोड़ा सा बीटरूट और एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमें आप अपना शीट मास्क सोक करके रखना है 10 से 15 मिनट तक के लिए। अगर आपके पास शीट मास्क नहीं है तो आप यहाँ पे टिश्यू पेपर भी यूज में ले सकते हैं। अच्छे से इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए हम सोक करने के लिए रख देंगे। फेस मसाजिंग क्रीम यहाँ हमारी रेडी है। अच्छे से पूरे फेस पे पहले अप्लाई कर लेंगे। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तभी आपको फील होगा कि जो क्रीम का टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको अपने हैंड्स की मदद से, बहुत ही सॉफ्टली हैंड से, अच्छे से मसाज करनी है 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको अपने फेस को क्लियर नहीं करना है, बल्कि जो हमने शीट मास्क प्रिपेयर किया था वो शीट मास्क हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। शीट मास्क को अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे और अब जो हमारे पास बची हुई क्रीम है उसका हम दोबारा से इस पर कोट करने वाले हैं, जिससे हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेशन मिले, प्लस हमारी स्किन पे किसी तरह की कोई ड्राइनेस भी नहीं होगी और हमारा लेवल जो है पीएच का वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। इस शीट मास्क को आपको लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद मिलने वाली है आपको एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ग्लास स्किन। हाँ जी, बिल्कुल कुछ इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, मेरी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो है, प्लस मेरी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग हो गई है। मैंने यहाँ पर फेस वॉश कर लिया है नॉर्मल वाटर से। फेस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और क्लियर हो गया है, फिलहाल आप देख ही सकते हैं। हाइड्रा फेशियल का लास्ट स्टेप होने वाला है फेस मास्क। ये फेस मास्क प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मुल्तानी मिट्टी। ग्लिसरीन 2 से 3 टेबल स्पून आप यूज़ में ले सकते हैं, जितना कि आपको क्वांटिटी यहाँ पर चाहिए। उसके बाद हमें यूज़ में लेना है रोज़ वाटर, तीनों को अच्छे से मिलाकर एक थिक पेस्ट बना लेना है, जो कि हमारा फेस मास्क रेडी हुआ है। ये हमारे ग्लो को लॉक कर देगा, प्लस हमारी स्किन को जो यहाँ पर हाइड्रेशन मिला है, जो ग्लो मिला है, उसे भी लॉक करने में हेल्प करेगा। अच्छे से एक थिक लेयर कोट लगाना है हमें अपने पूरे फेस के ऊपर। उसके बाद आपको इसे 10 मिनट तक छोड़ देना है। जैसे कि हमने इसमें ग्लिसरीन मिलाया है तो ये पूरी तरह से ड्राई नहीं होगा। जब ये सेमी ड्राई हो जाए तब हमें अपने फेस को क्लियर कर लेना है नॉर्मल वाटर के साथ।
आपको मेरी होम रेमेडीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, और आप भी जरूर ट्राई कीजिए इस हाइड्रा फेशियल को। आप ग्लो यहाँ पर देख ही सकते हैं, मेरी स्किन काफी ज्यादा फ्लॉलेस और ग्लोइंग हो गई है, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए और मुझे रिजल्ट्स आके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।